अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे LG V60 का पबजी टेस्ट। और अगर फ्रेंड्स आप ये डिवाइस बाय करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हम इसके लुक की बात कर लेते हैं। ये साइड पर जो है ना, आपको एक पावर बटन मिल जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना, आपको एक माइक और जो है ना सिम ट्रे की ऑप्शन, और यहाँ पे भी एक माइक दिया हुआ है, और वॉल्यूम कीज और गूगल बटन भी दिया हुआ है अलहदा से। तो नीचे की साइड पे आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है, सी टाइप चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है माइक के साथ, और स्पीकर भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो है ना स्टीरियो स्पीकर होते हैं, और कैमराज भी थ्री जो है ना कैमरे का सेटअप मिल जाता है आपको, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, हम यूँ करते हैं, हम जो है ना इसकी स्पेसिफिकेशन जानने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक जो है ना ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है CPU Z के नाम से एक ऐप है, इससे आपको पता चल जाए इसके प्रोसेसर रैम रोम का। तो फ्रेंड्स, ये देखें, आपको जो है ना 865 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है इस मोबाइल में, और ये 8 GB रैम में है और 128 GB इसकी रोम है। और फ्रेंड्स, ये इसका स्क्रीन साइज़ मैं आपको बताऊँ तो 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले है इस मोबाइल का। तो फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, हम जो है ना अब पबजी अपनी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं इसके ग्राफिक्स और इसकी जो है ना परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, जब तक ये पबजी स्टार्ट हो रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, जल्दी से कर दें। तो फ्रेंड्स, ये हो चुकी है हमारी पबजी ऑन, और मैंने जो है ना रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हम जो है ना अब सबसे पहले इसके जो है ना ग्राफिक्स जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आ जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद हम आ जाते हैं ग्राफिक्स एंड ऑडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको स्मूथ पर एक्सट्रीम मिल जाता है, यानी आप 60 FPS तक गेम खेल सकते हैं, और बैलेंस में भी आपको एक्सट्रीम मिल जाता है। और HD में हम चेक करेंगे तो HD में भी आपको एक्सट्रीम मिल जाता है इस डिवाइस में, और जो है ना HDR में भी आपको स्ट्रीम मिल जाता है, और अल्ट्रा HD भी सपोर्टेड है, मगर UHD सपोर्ट नहीं है। अल्ट्रा HD में मेरे ख्याल आपको 40 FPS तक गेम प्रोवाइड करेगा ये LG का V60। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम एक TDM मैच स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और विद रिकॉर्डिंग जो है ना ये मैच मैं खेलूँगा। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा TDM मैच स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम जो है ना जैरो चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जैरो देखें, बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है, यानी डिले नहीं है इस जैरो के अंदर, यानी इस डिवाइस के अंदर। तो फ्रेंड्स, और स्मूथनेस की अगर बात की जाए तो स्मूथनेस भी बहुत ज़बरदस्त है, यानी कोई ऐसा लैग, कोई ऐसा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। और बुलेट्स भी बहुत अच्छी रजिस्टर होती हैं इस डिवाइस के अंदर, और 6.8 का बड़ा बिग डिस्प्ले मिल जाता है आपको इस डिवाइस के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है ये मोबाइल। और अगर जो है आप इस मोबाइल को बाई करने का सोच रहे हो, लो बजट वाली डिवाइस से आप इस डिवाइस पर आना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत अच्छी डिवाइस रहेगी और पावरफुल डिवाइस रहेगी। और 865 इसका स्नैपड्रैगन है, और बहुत अच्छी डिवाइस, और 8 GB रैम में है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके मोबाइल की प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में नॉन PTA जो मिल जाता है 35 का मिल जाता है, और 35 में बहुत ज़बरदस्त है ये मोबाइल अगर नॉन PTA लेते हैं। अगर PTA में लेते हैं तो 50 से 55K में आपको ये मोबाइल ऑफिशियल अप्रूव मिल जाता है। और इंडिया की मैं बात नहीं करता, क्योंकि इंडिया में जो है आप मैं रहता नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता वहाँ की मार्केट का। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है ना पाकिस्तानी फ्रेंड्स के लिए जो है ये मैंने प्राइस बताए हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूं। और फ्रेंड, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये मोबाइल लेना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीम भी बहुत ज़बरदस्त करेगा ये मोबाइल फ़ोन। और अगर फ्रेंड आप जो है ना यानी हैवी लॉबी के अंदर आप इस मोबाइल को यूज़ करने का सोच रहे हो, तो मुझे जो है ना कहीं जो है ना थोड़े थोड़े जो है ना फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले हैं इस डिवाइस के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा हैवी लॉबी, जैसे कि कॉन्करर लॉबी में अगर आप मैचेस वगैरह खेलते हैं तो हल्के हल्के फ्रेम ड्रॉप होते हैं इस डिवाइस के अंदर। बट ये डिवाइस बहुत ज़बरदस्त है, इसके कैमराज बहुत ज़बरदस्त हैं, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और 4K भी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, और कैमरा सेटअप भी बहुत ज़बरदस्त है, पोर्ट्रेट भी बहुत ज़बरदस्त है, ये डिवाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और इस डिवाइस से मुतल्लिक आपका कोई ओपिनियंस हो तो वो भी मुझे बताएं, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त आज की इस वीडियो से। पाकिस्तान जिंदाबाद।